नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सीबीएसई ने पास नहीं होने वाले छात्रों को दी बड़ी राहत। सीबीएसई ने साल 2015 से 2020 तक के बोर्ड परीक्षा में असफल परीक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होने का मौका दिया है। बोर्ड के आदेश की माने तो जो छात्र साल 2015 की बोर्ड परीक्षा में असफल हो गए हैं, वो भी वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल हो सकते हैं। ऐसे सभी छात्र प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म की तारीख जारी कर दी है। 11 नवंबर तक सभी परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को भरने वाले हैं। शुल्क के तौर पर छात्रों को ₹1500 देने होंगे। लेट फाइन के साथ 21 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वार्षिक परीक्षा 2021 के नियमित छात्रों का परीक्षा फॉर्म 30 अक्टूबर तक भरा जाएगा। बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि वार्षिक परीक्षा में फेल छात्र वार्षिक परीक्षा 2020 कंपार्टमेंट में शामिल छात्र सितंबर 2020 कंपार्टमेंट में शामिल छात्र भी प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर फॉर्म भर पाएंगे। महाधिवक्ता रहे राम बालक महतो ने 90 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। बिहार के पूर्व महाधिवक्ता राम बालक महतो ने 90 साल की उम्र में मगध मेडिकल अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार राम बालक महतो 6 बार राज्य के महाधिवक्ता रह चुके थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल ने गहरी संवेदना भी व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि वे एक प्रसिद्ध कानूनविद और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। विधि के क्षेत्र में उन्होंने एक विशिष्ट पहचान बनाई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार को कानूनी जीत दिलवाई थी। गुजर जाने से विधि के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, महाधिवक्ता राम बालक महतो बिहार राज्य के सबसे अधिक बार महाधिवक्ता पद पर रह चुके हैं। उन्होंने 6 बार इस जिम्मेदारी को निभाया है। नीतीश कुमार ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए रैलियों का संबोधन कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से आज सुबह उन्होंने चुनावी सभा का संबोधन करते हुए 3 जिलों के 4 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को संबोधित किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि नगर में आयोजित जनसभा में आरक्षण को लेकर अहम बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जितनी आबादी है उस हिसाब से रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या है, यह हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले। गलतियां किससे नहीं होती है, कितना भी अच्छा कर दीजिए लेकिन कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसके साथ ही उन्होंने मौका मिलने पर दोबारा काम करने की बात भी कही है। मुंगेर मामले का जिक्र नहीं करने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि बुधवार को न केवल बिहार बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री मां दुर्गा के भक्तों पर मुंगेर में हुए मामले के बारे में कुछ बोलेंगे, कुछ ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन अफसोस प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मुंगेर में जो हुआ वो हम नहीं भूलेंगे। बिहार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, रोहन गुप्ता और प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि अब तक तो नीतीश कुमार की बौखलाहट उनकी भाषा में सुनाई दे रही थी, अब मोदी जी के भी शब्दावली को सुनकर जनता आश्वस्त हो गई है कि वो हार को देखते हुए वह भी बौखला गए हैं। किसान के भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर अभी तक लागू किए गए 3 काले कानून मोदी जी के किसानों के प्रति घृणा को लेकर उनकी सोच स्पष्ट करते हैं। भाजपा के बागी नेता सुषमा साहू कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा के समर्थन में मैदान में उतरी। बिहार विधानसभा चुनाव में दल बदल की राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी क्रम में भाजपा की बागी नेता सुषमा साहू बांकीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करते नजर आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुषमा साहू बांकीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा के समर्थन में उतर गई हैं। बीते दिन सिन्हा लाइब्रेरी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में सुषमा साहू ने समर्थन देने का ऐलान किया है। सुषमा साहू का कहना है कि जिस तरह एक छोटी सी गलती पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, वो एक साजिश का नतीजा है। वो अगर बड़ी पार्टी से होती तो हरगिज नामांकन रद्द नहीं होता, इसलिए लव सिन्हा के प्रचार में वो उनका साथ देंगी। जीत पक्की करने के लिए हर संभव काम करेंगी। लव सिन्हा ने कहा कि मैंने सोशल साइट पर सुषमा साहू का नामांकन रद्द होने की सूचना देखी, जिसे देखकर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अनुमानित 53.54% डाले गए वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बीते दिन 53.54% अनुमानित वोट डाले गए हैं, जिसके तहत भागलपुर में 54.20, बांका में 59.57, मुंगेर में 47.36, लखीसराय में 55.44, शेखपुरा में 55.96, पटना में 52.51, भोजपुर में 48.29, बक्सर में 54.07, कैमूर में 56.20, रोहतास में 49.59,
अरवल में 53.85, जहानाबाद में 53.93, औरंगाबाद में 52.85, गया में 57.05, नवादा में 52.34 और जमुई में 57.41% वोट डाले गए। चिराग पासवान ने भाजपा लोजपा के बिहार में सरकार बनने की दोहराई बात। लोजपा नेता चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए बिहार में लोजपा और भाजपा की सरकार बनने की बात को दोहराया है। चिराग ने कहा कि 10 नवंबर को महिषासुरी व्यवस्था का खात्मा जरूर होगा और इस बार बिहार में लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। चिराग पासवान का कहना है कि इस बार जो भी मतदान हुए हैं वो बदलाव की आशा में हुए हैं, विकास के नाम पर हुए हैं। जिस तरीके से मुझे फीडबैक मिल रहा है उसे एक बात तो तय है कि अगले 10 तारीख को मुख्यमंत्री का पुनः बिहार में मुख्यमंत्री बनना असंभव है और बिहार की जनता भाजपा और लोजपा को साथ लेकर चलना चाहती है। इसके साथ ही मौके पर चिराग ने मुंगेर में हुए वाक्य को एक बार फिर से दोहराया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुंगेर में मां दुर्गा के भक्तों के साथ जो हुआ उससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। महिषासुर सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सुशील मोदी ने लालू राबड़ी पर साधा निशाना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अस्पताल से निकलते ही विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने डिस्चार्ज होते ही कहा कि जंगल राज में लोगों को उठाना, जबरदस्ती पैसे लेना आम बात थी, उस समय इसी का चलन था। जिसके राज में बिहार की बदनामी का टेंशन नहीं दिखता था, जब राज्य के हर एक हिस्से में अंधेरा फैला हुआ था और अंधेरे की आड़ में कई लोगों को उठाना, जबरदस्ती पैसे निकलवाने का काम किया जाता था। उस जंगल राज के युवराज फिर से वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता को वो बिल्कुल भी नहीं भाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीति का गलत इस्तेमाल करके राजद ने लोकतंत्र को धूमिल किया है। मनोज तिवारी का हेलीकॉप्टर का ATC से संपर्क टूटने के कारण बहुत देर तक रहा हवा में। राजधानी पटना में मनोज तिवारी आज सुबह सुबह बाल बाल बचे। मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर ने पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरी, वैसे ही उनके हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण उनके हेलीकॉप्टर का संपर्क ATC से टूट गया और यही कारण है कि उनका यह हेलीकॉप्टर काफी समय तक हवा में ही घूम रहा था, जिसके कारण पटना एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सभी कर्मी लगातार ATC से संपर्क साधने में लगे थे और मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनका संपर्क नहीं बन पा रहा था। इसके बाद किसी तरह कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। मनोज तिवारी को सुरक्षित हेलीकॉप्टर से बाहर निकलवाया गया। तेजस्वी यादव को हराने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उतरी है मैदान में। तेजस्वी यादव को आगामी विधानसभा चुनाव में हराने के लिए बड़ी पार्टियां उतर चुकी हैं, ऐसा खुद तेजस्वी यादव का कहना है। हाल ही में मीडिया में दिए बयान में तेजस्वी ने अपने बयान में कहा है कि मेरे पीछे देश की सभी एजेंसियां लगी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और उनके 30-30 हेलीकॉप्टर मेरे पीछे पड़े हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें जंगल राज युवराज कहे जाने पर भी टिप्पणी की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री है, कुछ भी बोल सकते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में नीतीश राज के 15 साल के कार्यकाल का ब्यौरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे क्या, बिहार के लोगों को भी यही उम्मीद थी कि पीएम बेरोजगारी पर बोलेंगे, मोतिहारी के चीनी मिल बंद होने पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और पीएम कह सकते थे कि इस मिल को जल्द शुरू करेंगे और मुझे यहां की चीनी की ही चाय पीनी है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार को गड्ढे में डालने की कही बात। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आए दिन सरकार पर तंज कसते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत हाजीपुर विधानसभा सीट से रालोसपा प्रत्याशी कमल प्रसाद सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तेजस्वी यादव और लालू परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 15 साल की एनडीए की सरकार और 15 साल की लालू यादव जी की सरकार ने बिहार को गड्ढे में धकेलने का काम किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा कि बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। अस्पतालों में मरीज की जगह बेड पर कुत्ते रहते हैं, लोगों को इलाज के लिए काफी समस्या का भी सामना करना पड़ता है, सभी लोग प्राइवेट अस्पताल और स्कूल पर निर्भर हैं। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से भिड़ेगी चेन्नई और कोलकाता की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज चेन्नई और कोलकाता की टीम एक दूसरे से भिड़ने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार सीजन के 49वें मुकाबले में कोलकाता और चेन्नई की टीम एक दूसरे के खिलाफ मैदान में देखी जाएंगी, जहां आज कोलकाता के लिए यह बेहद अहम है, जबकि चेन्नई की टीम सम्मान बचाने के लिए मैदान में उतरने वाली है। कोलकाता की टीम यह उम्मीद बनाए रखेगी कि आज के मुकाबले में कोलकाता के आतिशी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के वापसी हो सकती है, जबकि चेन्नई की टीम में बदलाव की गुंजाइश कम है। वर्तमान समय में कोलकाता अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। टीम ने 12 मैच खेलकर कुल 6 मैच में जीत हासिल की और 12 अंक जुटाए हैं। अगला दोनों ही मुकाबला उनके लिए अहम है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो यह टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और इसके खाते में 12 मुकाबले के बाद 4 जीत से 8 अंक दर्ज है। विराट कोहली का वीडियो सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का वीडियो
वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है। इसी क्रम में विराट कोहली का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें, अनुष्का इन दिनों अपना प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय कर रही है। विराट इस वक्त दुबई में आईपीएल खेलने में व्यस्त है और अनुष्का भी उनके साथ दुबई में ही है। अनुष्का आए दिन विराट को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम जाती है, लेकिन खेल के दौरान भी विराट अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। इसी बीच दोनों का एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह विराट अनुष्का का ध्यान रखते हुए प्लेयर्स के साथ ग्राउंड में विराट है और वहीं से इशारे में अनुष्का से पूछते हैं कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। वहीं अनुष्का भी इशारे में कहती है कि हाँ, उन्होंने खा लिया है, जिसका वीडियो विराट के एक फैन ने शेयर किया है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 80 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 49,881 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 80,40,203 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 517 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,20,527 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। इस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 73,15,989 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 6,03,687 सक्रिय मामले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में आरक्षण होना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।